नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दो दिवसीय दौरे पर कल साहिबगंज पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साहिबगंज के धर्मपुर में आम जनता से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान पर सरकार का विशेष जोर है। सरकार आम जनता को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेएमएम के कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील करते हुए कहा, इन योजनाओं का लाभ आप भी लें और लोगों को भी दिलाएं। आप सब लोगों को पता है कि हम लोग वैश्विक महामारी की समस्या से कितना परेशान रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें सामान्य की जा रही है और जो सब कुछ ठप पड़ा था, विकास की सारी व्यवस्थाएं रुक सी गई थी, उन सब में तेजी से विकास को गति दिया जा रहा है और मुख्य रूप से आप लोग देख रहे होंगे समय समय पर सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की पूरी व्यवस्था आपके पंचायत में, आपके घर में, आपके गांव में पहुंचकर आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया, कई समस्याओं का समाधान भी हुआ। इस तरीके से कई चीजों में तेजी से बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा।